हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हमारे पास दो तरह का फैब्रिक है, ये हमारा नेट का फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अस्तर के फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम अस्तर की ही कटिंग करते हैं गाइस। तो देखिएगा, हम जो ये कपड़ा इसको सिंगल कर लेंगे। जितनी भी आपकी कोटी है, कोटी की लंबाई होती है उतना हम नाप लेंगे। तो ये हमारी 15 इंच की हम कोटी की लंबाई रखेंगे, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो हमने 16 इंच की लंबाई रखी है और इसको हमने कपड़े को कर लिया है डबल। इस तरह से देखिएगा, हम इसको अर्ज में भी निकाल सकते थे, लेकिन ये जो हैवी साइज की कोटी है तो इसमें से हमारा थोड़ा कम पड़ा था, इसलिए हमने सिंगल कपड़ा इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम पूरे कपड़े को यहाँ से यहाँ तक काट लेंगे। तो हमने देखिए कपड़े को काट लिया है। अब इसको करेंगे हम 4 फोल्ड। जितना आपका चेस्ट साइज है तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही इसको रखेंगे। जैसे ये हमारा 42 है तो 42 का चौथाई होता है 11 इंच, तो हमने ये 13 इंच रखा है। लंबाई इसकी हमारी 16 इंच है, तो हम पहले इस तरह से इसको काट लेंगे गाइस। अपनी चौड़ाई लेने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसको काट लेंगे। उसके बाद देखिएगा जो जॉइंट है, ये हमारा ये जॉइंट है नीचे से, इसको भी हम अलग ही कर लेते हैं। बाद में भी अलग करना है, पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने पहले इसको अलग करके 2 पीस बना लिए। दोनों को हमने इस तरह से देखिए डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब ये हो गया हमारा कपड़ा 4 फोल्ड। तो हमारी जो लंबाई है वो 15 इंच है कोटी की, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो 15.5 इंच पर हम इस तरह से अपनी कोटी की लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम नापते हैं गाइस अपना शोल्डर, तो शोल्डर हम अपना 6.5 इंच पर रखेंगे। तो 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे, और जब भी हम ये आर्म होल निकालते हैं तो हम आधा इंच शोल्डर से एक्स्ट्रा रखते हैं। तो हमने 7 इंच रखा है, और उस तरह से भी हम 6.5 इंच पर लगाते हुए इन दोनों को निशानों को मिला लेंगे। तो हमारा जो आर्म होल है वो हमारा 7 इंच है और हमारा शोल्डर 6.5 इंच। इस बात का ध्यान रखें, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। तो गाइस देखिएगा जो इसका सीना है वो 44 इंच है, तो 44 का जब हम चौथाई करते हैं तो हमारा 11 इंच आ जाएगा। तो हम इस तरीके से देखिए 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो इसकी कमर है गाइस वो है 36 इंच, तो 36 का चौथाई पे हम 9 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे। उसके बाद गाइस देखिएगा, हमने निशानों को मिला लिया है। अब हम जो आर्म होल निकालेंगे तो 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये हमारा जो निशान लगाया हमने अपने बैक पार्ट के लिए लगाया, बैक आर्म होल का हमने निशान लगाया है सबसे पहले। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का लगाएंगे, तो आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे और ऊपर से इस निशान को स्केल से सीधा इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद जो हमने निशान लगाया आधा इंच के डाउन करके, वहां से 1 इंच लेंगे और ये हमारा देखिए फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी गोलाई आ गई है। तो हमारे दोनों पार्ट को हमने एक ही साथ कटिंग किया है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो हम दोनों को एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम देखिएगा, हमने निशान लगा लिया है, ऊपर से आधा इंच हम डाउन कर देंगे शोल्डर से। तो देखिए हमने आधा इंच डाउन कर दिया है। उसके बाद गाइज हम कर लेंगे अपनी टॉप की जो हमारी कोटी है फ्रॉक की, उसकी कटिंग कर लेंगे। तो गाइज अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो हमने बैक पार्ट का निशान लगाया था उसकी कटिंग करेंगे। तो हमने देखिएगा कटिंग कर ली है, जो हमने बैक पार्ट पर निशान लगाया था उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी कोटी की कटिंग कर ली है। उसके बाद गाइज देखिएगा क्या करेंगे हम, जो हमारा जो बैक पार्ट है इसको निकाल के हम एक साइड रख देंगे। उसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट की ये गोलाई दी है आर्म होल पे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिएगा इसी जो निशान हमने लगाया इसी के अकॉर्डिंग हम निशान पर कटिंग कर लेंगे। तो हमारे दोनों पार्ट की देखिएगा कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम फिर कपड़े को लेंगे, अब निकालेंगे हम नीचे से घेर। तो हमने कपड़े को जो डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, और इसको अब इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। पहले डबल फोल्ड दोनों कन्नी जो होती है किनारी साइड में, दोनों को आपस में मिलाकर हमने अर्ज में डबल फोल्ड किया है। उसके बाद हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है अपने नीचे के घेर की, उसके अकॉर्डिंग हम देखिए लंबाई लेंगे। तो ये 21 इंच रखी और 21 इंच हमने इधर से रख लिए, और हम यहाँ से इसको कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे। अब हमने देखिए जो जॉइंट वाली जगह है साइड, देखिए 4 फोल्ड है हमारा, वो अपनी तरफ रखी जो बंद है। ऊपर से हम कमर पर निशान लगाएंगे 5-5 इंच पर, क्योंकि इसकी जो कमर है वो 36 है। तो अगर 5 इंच के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्टली ये हमारा बैठ जाएगा। इसी तरीके से 5-5 इंच पर हमने गोल राउंड में निशान लगा लेना, ये हमारी कमर का निशान आ गया। जो लंबाई लेंगे हम गाइस देखिए नीचे से, वो हम लेंगे 15.5-15 इंच पर। तो मैं 15.5-15 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूंगी। जो हमारे नीचे के घेर की लंबाई रहेगी वो हम 15.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं शॉर्ट फ्रॉक। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा रख सकते हैं, और लंबाई भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है, और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे गाइस। अब कर लेंगे हम इसके नीचे के घेर की भी कटिंग।
तो गाइस देखिएगा हमारे नीचे ये सर्कल की जो हमारी स्कर्ट है, हमने सर्कल में इसकी कटिंग कर ली। जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, जो नेट का फैब्रिक है गाइस, इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस मेजरमेंट के अनुसार हमने अपनी अस्तर की कटिंग करी, सेम उसी प्रोसेस से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने इसको ऐसे ही कपड़े को रख लेना है, जैसे भी डबल फोल्ड करते हुए। अब हम जैसे हमने बिल्कुल सेम जैसे हमने अपने अस्तर की कटिंग करी है, वैसे ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से अस्तर रखेंगे, बिल्कुल इसके बराबर बराबर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे गाइस। मैंने तो सिर्फ ऐसे ही रख के आपको बताया है, आप अच्छे से रखें और तभी इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए हमारी जो दोनों कोटी की कटिंग हो गई है, नीचे घेर की भी हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन घेर की जो लंबाई हमने नेट की रखी है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। तो जो स्लीव है हमने उस कपड़े को 4 फोल्ड करके हुए रखा हुआ है गाइस। नीचे से हम जो स्लीव फोल्ड करेंगे 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमारी स्लीव की लंबाई है वो 15 इंच है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो 15.5 इंच पर अपनी लंबाई लगा लेंगे, लंबाई का निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम देखिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। देखिए जो हमारा शोल्डर होता है उसका हम 9 इंच, जैसे हमारा 9 इंच का शोल्डर, तो 9 इंच रखेंगे। और इस तरह से हमारी जो मोरी है गाइस वो हमारी है 5.5 इंच की। तो इन निशानों को दोनों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और देखिए इसको इंची टेप को आधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद गाइस देखिए हम गोलाई देंगे, तो 1/2 इंच पे इस तरह से डाउन करते हुए, और ऊपर से भी 1/2 इंच देंगे। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा हम इस तरह से इसकी अपनी स्लिप की गोलाई दे देंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हम कर लेंगे अपनी स्लिप की भी कटिंग। तो गाइस देखिएगा हमारी स्लिप की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम कट लगा लेंगे तीनों जगह, और हमारे देखिए पूरी कोटी कटिंग हो गई है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले गला। तो हमने 5 शेप का गला बनाया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं। और यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। तो हमने गला अटैच कर लिया, और एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए कटिंग कर लेंगे, और 1/2 इंच के मार्जिन छोड़ देंगे इसमें, जो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। और सिलाई लगाकर इसको भी हम फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। तो हमने अटैच कर लिया है, अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट लगा लेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में। तो देखिए हमने सेंटर में इसके कट लगा लिया है। अब हम लेंगे जो हमारे आगे का फ्रंट पार्ट है उसको, देखिए हमने नीचे अस्तर और ऊपर अपनी नेट रखी है इसके ऊपर, और बीच में इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे, जब हमें गला बनाए तो आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे जैसे हमने अपने गले में लगाया था, इसी तरीके से जो हमने गला बनाया गाइस उसी को इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल बीच सेंटर में रखते हुए हम अपने गले को अटैच करेंगे। तो देखिएगा जब हम गला है हमारा उसको हम अच्छे से रखेंगे बीच सेंटर में, निशानों जो हमारे निशान है जो हमने कट लगाया है वो दोनों बिल्कुल आपस में इस तरह से मिले होने चाहिए। देखिएगा अब हम आलपिन के साथ से अटैच कर लेंगे, आप बीच में एक कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। और देखिएगा बुकरम से नीचे हम इसको सिलाई लगाते हुए अपने नेक को अटैच कर लेंगे। देखिएगा अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए अंदर का वो हम काट देंगे, लेकिन काटते समय हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए, और छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हम अपना गला फोल्ड करें तो फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो देखिए इसी तरीके से हमने अपने गले को फोल्ड कर लिया, और आप देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से गाइस हम बैक का बैक गला बनाएंगे। तो हमने कपड़े को देखिए इस तरह से डबल करके रखा हुआ है। अब हम ऊपर से 2.5 इंच पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, और जो गहराई है वो आप 7, 6, 8 जितना भी रख सकते हैं, मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और नीचे से हम 3 इंच रखेंगे, नीचे से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चौड़ा रखा है, तो नीचे से हमारा चौड़ा रहेगा, ऊपर से 2.5 इंच है और नीचे से हमारा 3 इंच है। और हम अपने गोलाई देते हुए गले की बैक गले की भी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे हम अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर हमारी जो मेन फैब्रिक है जो हमारी नेट का कपड़ा है उसको रखेंगे। अब बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे इसको। तो देखिए हमने दोनों कपड़ों को बराबर करके रख लिया, और एक पट्टी हमने काट के रखी हुई थी, अब यहाँ से हम इसमें और एक पट्टी लगाएंगे इस तरह से। दिखेगा पूरे गले में हम इसी तरीके से गोल राउंड में और एक पट्टी को लगाते हुए अटैच करेंगे, और इसके बिल्कुल एक पैर की सिलाई देते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये और एक पट्टी अटैच हो गई, हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो तुरपाई करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। लेकिन सबसे पहले हम इसमें अपने शोल्डर अटैच कर लेते हैं। तो शोल्डर जब हम अटैच करेंगे तो गाइस देखिएगा जो हमने और एक पट्टी लगाई है ना बैक गले में, उसको छोड़ते हुए हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह से रखेंगे और इसको इसके ऊपर जो हमारी और एक पट्टी इसको फोल्ड करके और सिलाई लगाते हुए अपने शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से गाइस देखिए हम अपना दूसरा शोल्डर रखेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा।
हमारी और पट्टी को छोड़ते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाते हुए इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों शोल्डर हमने अटैच कर लिए, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम करेंगे अपनी साइड बंद, तो हमें दोनों साइडें ही बंद कर लेनी, उसके बाद हम नीचे से अपनी सर्कल जो हमने गहरा बनाया उसको बाद में अटैच करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी बंद कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। तो हमारी देखिएगा गाइस, हमने दोनों साइड बंद कर ली है, सिलाई लगा ली है, देखिएगा। अब हम अपना नीचे का घेर ले लेते हैं, इसको एक साइड रख देंगे, नीचे का घेर लेंगे हम, इसको डबल करेंगे इस तरह से, देखिएगा इसको इस तरह से देखिए सिंगल करते हुए रखेंगे बिल्कुल। ये जो हमारा गोल राउंड में कटा हुआ है इसको सिंगल रखेंगे, इसी के ऊपर सेम प्रोसेस से हम अपना जो नेट का फैब्रिक है उसको रखेंगे, इसी प्रोसेस से इसके ऊपर रखना है बिल्कुल, देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे, पहले इसको बिल्कुल बराबर करते हुए किनारे से मिला लेंगे, जो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एकदम आए, देखिएगा दोनों को बराबर रखेंगे कपड़े को और एक सिलाई लगाएंगे। इन दोनों को सिलाई लगाते हुए हम अटैच कर लेंगे। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले, तो हमको कच्ची सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो सिलाई इसलिए लगा रहे हैं जब हम इसे कोटी में अटैच करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसे अटैच करने में, दोनों एक साइड ज्वाइंट हो जाएं। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया दोनों पर्दों को आपस में। अब हम इसको डबल करेंगे इसी तरीके से, जो हमने ये डबल किया इन दोनों कोनों पे हम कट लगा लेंगे। ये जो दोनों कोनों पे हमने कट लगाया गाइस, जो हमारी कोटी के साइड की सिलाई है उन दोनों से मिलाकर इनको रखेंगे। तो देखिए हम पहले कोटी रखेंगे, इसको इस तरह से खोलेंगे, देखिएगा आप इस तरह से हमने खोली है कोटी। अब जो हमारा ये नीचे का घेर है इसको इसी तरीके से इसी प्रोसेस से देखिएगा, जो हमारा सीधा है इसको इसी से बिल्कुल जैसे मैंने रखा है इसी रखेंगे। जो ये कट लगाया था इसको हम जो हमारी साइड की सिलाई इससे बिल्कुल मिला के हुए रखेंगे और एक आलपिन से इसको पहले अटैच कर लेंगे, देखिएगा। इसी तरीके से जो दूसरा कट है उसको भी हम इसी कोने से मिलाएंगे, देखिए जो हमारी साइड की सिलाई है कोटी की, और इस पर भी एक पिन लगा लेंगे, आलपिन लगा लेंगे, इसको भी हम इस तरह से देखिए अटैच कर लेंगे। उसके बाद गाइस देखिएगा हम दोनों को इसी तरीके से मिलाते हुए रखेंगे, आप देख सकते हैं, देखिएगा दोनों जो सीधी साइड है वो आपस में इस तरह से मिली हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे, एक पेड़ की सिलाई लगाते हुए हम इसकी देखिएगा अटैच कर लेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे, कोटी को भी और घेर को भी। तो गाइस अगर शायद आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और मैंने अच्छे से आपको समझाया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, देखिएगा। तो गाइस देखिए हमने अपनी जो कोटी को घेर में ज्वाइन कर लिया है, तो मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ, देखिएगा एकदम फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच किया है, देखिए। तो हमारी जो कोटी है वो एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम स्लिप फोल्ड करेंगे, तो जितना हमने मार्जिन रखा था फोल्ड के लिए उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिएगा गाइस हमने सिलाई लगाकर अटैच कर ली है, अब अपने अकॉर्डिंग हमने देखिए साइड भी इसकी बंद कर ली है। उसके बाद गाइस देखिएगा हम इस कोने को पकड़ेंगे जो हमारी साइड सिलाई है ये वाली, और जो हमारी कोटी की साइड की सिलाई, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे इस तरह से, इस तरह से मिलाएंगे। जो जो देखिए जो हमारी साइड की सिलाई और हमारी स्लिप की साइड की सिलाई, इन दोनों को आपस में मिला लेना होता है, इससे एकदम ही परफेक्टली हमारी जो स्लिप है लग जाती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो हम रखेंगे इसी तरीके से और अपनी जो स्लिप है उनको हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक स्लिप तो हमारी लगी, इसी प्रोसेस से हम दूसरी स्लिप को भी अटैच कर लेंगे। तो गाइज देखिएगा हमने दोनों स्लिप लगा ली है, अब बारी आती है नीचे से फोल्ड की। तो गाइज हम तो इस पे करेंगे पीको, अगर आप फोल्ड करना चाहें तो बारीक फोल्ड भी कर सकते हैं। पीछे मैंने देखिए लटकन बनाई है ये, तो हम पीछे ये डोरी लगा देंगे अपने फ्रॉक में, देखिएगा। तो फाइनल लुक मैं पहन के दिखा दी, मेरे साइज का तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पीछे पिन लगाकर आपको पहन के दिखा दिया है। फाइनल लुक आप देख ही सकती हैं और इसके लहंगे का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइस। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।